सभी अपने एक्सपीरियंसेस और खुद की असेसमेंट को शेयर करेंगे। ये एक ग्रुप डिस्कशन है और अब मैं शशि जी को आगे अग्रसर करने का मौका देती हूँ। शशि जी आप। थैंक यू मनीष जी एंड पल्लवी जी एंड हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज ये हमारा पहला अभी प्रोग्राम है ऑनलाइन पे, तो सभी को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद दी है। और पल्लवी और मनीष जी को तो बहुत सारा थैंक्स है, क्योंकि ये लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं तो सिर्फ आकर बैठी ही हूँ, बैठती हूँ, तो इसलिए इन लोगों के योगदान की सराहना मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। और जो सभी लोग आए हैं उनका तो है ही बहुत सुंदर भाग्य। तो इस साल की शुरुआत के पहले ही कुछ चार दो चार दिन पहले मुझे कुछ ऐसा ही आया, अंदर से एक विचार आया कि कुछ समथिंग न्यू होना चाहिए। जैसे पिछले साल हमें ऐसा हुआ था कि कुछ वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है, यहाँ वहाँ इस तरह से स्प्रेडिंग करना है मैसेज को, तो इस साल ये हुआ कि नहीं, अभी लिखत या इस तरह की पोस्ट तो बहुत जाते ही रहते हैं, बट कुछ जो है प्रैक्टिकल टाइप लेके चलना चाहिए। तो सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ग्रुप बनाकर पांच पांच छह छह लोगों का दो दो दिन के लिए कुछ हम प्रोग्राम दे दें। अपने आप से तो आप नेचर को फॉलो करते हो, इम्ब्रेस करते ही हो, बिकॉज नेचर के अलावा जो कुछ है वो डी नेचर है, और वही हमारे रोग का और दुख का कारण है, क्योंकि आज के आधुनिक समाज में सभ्यता की एक बीमारी सी लग गई है, और इसी वजह से मनुष्य अपनी अप्राकृतिक आदतों के कारण, जो सभ्यता के द्वारा ही निकलकर आई है, इतनी बीमारियों के नामकरण बढ़ गए और इतनी परेशानियां बढ़ गईं। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि आज से हजारों साल पहले के मानव को इतनी ना तो बीमारियों का पता था ना कुछ, क्योंकि उस समय इतनी सभ्यता का तो शायद नहीं कुछ रहा होगा, ना ही वो इतने बीमार ही थे। जबकि आज इतने सुविधाएं हैं, हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, और ये सब चीजें होने के बावजूद भी हम इतने ज्यादा बीमार और परेशान और दुखी हो गए, है ना? तो ये सब सोचते हुए यू टर्न लेना है, जो स्वामीनाथन जी कहते थे, और आज भी बहुत से लोग उसके पर वर्क कर रहे हैं कि यू टर्न लेना। यू टर्न का मतलब ही है कि हमें नेचर को एम्ब्रेस करना है। नेचर में बहुत सारी जो सभ्यता वाली चीजें, आधुनिकीकरण वाली चीजें दिखाई देती हैं, जो शुरू में बहुत अच्छी लगी और उनके गुलाम बनने की वजह से आज हम अपनी सुंदरता को देख रहे हैं कि कैसी हो गया हमारा शरीर, हमारा चेहरा और हमारा घर, हमारा परिवार, यहाँ तक हमारा समाज और हमारा विश्व भी, सभी करा रहा है। चाहे ऊपर से लग रहा हो कि हाँ लगा के कि ठीक लग रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी हालत। तो इस संदर्भ में हमने जो प्रोग्राम लोगों को दिया कि भाई दो दो दिन हम लोगों को कुछ समथिंग न्यू करना है, तो उसमें ये विचार करके समझ में आया कि सैलेड भी हम लेते हैं, जो प्रोग्रामिंग थी, सैलेड लेते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल लेते हैं, और भी कई चीजें दिन भर में लेते ही रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रोगों की पकड़ रहती है, पूरी तरीके से आराम नहीं मिलता है। तो अभी कुछ करते हैं, खाऊं पीऊं वाला रखते हैं, तो खाने पीने में क्या दिया जाए। तो ये समझ में आया कि जाड़े के समय में, जैसे पिछले सेशन में बताया था कि हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर ये दोनों चीजें शरीर को प्रॉपर रूप से प्रोवाइड करी जाए या मिलती रहे, तो कितना भी जाड़ा बरस रहा हो कुछ भी नहीं होगा। ये मैं अनुभव से बोल रही हूँ, क्योंकि हमने इस बार अपने में भी बहुत चेंज किया, पहले खुद को करा कुछ दिन, दो चार पांच दिन, देन उसके बाद आप लोगों को ये शेयर किया। तो उसमें ये निकल कर आया कि ठीक है, हम खाने का प्रोग्राम रखते हैं, माने कि फलों का दिन मनाते हैं, फलों का डे, फ्रूट डे मनाते हैं। फ्रूट डे में खाने की वो नहीं है कि आपको नहीं खाना है, फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, नथिंग टू डू, बट केवल चॉइस आपकी है कि एनी टाइप ऑफ सीजनल, जो सीजन में फ्रूट्स आ रहे हैं, तो चार फ्रूट निकल कर आए जो देखा गया, तो पपीता अच्छा आने लगा, केला भी ठीक, जो केला मुझे पहले लगता था कि नहीं ज्यादा उसमें दवाई है, क्योंकि तो जब हम कोई सेकेंडरी फूड लेते हैं तो उस समय थोड़ा इन चीजों को लेकर कुछ शरीर को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती थी, लेकिन इन दिनों जब हमें खाली ही फ्रूट्स पे रहने की बात आई, तो केला, पपीता और हमारा किन्नू संतरा,
और अनार, ये सारे फ्रूट्स निकल के आए जो बिल्कुल सीजनल है। उसके अलावा भी स्ट्रॉबेरी है, जो आपको चॉइस का हो, चाहे चीकू हो, एनी एनी फ्रूट्स यू कैन हैव, ले सकते हैं और प्रॉपरली खुशी खुशी। अब यहाँ पर ये जो निकल कर आया वो यही आया कि पहले जो हम फ्रूट्स ले, में मेरा भी है, फ्रूट्स लेते थे या आप लोग भी लेते हैं या लेते होंगे, तो उसमें आपने एक अपना बना लिया, चलो मॉर्निंग टाइम में हम फ्रूट लेंगे। पिछली बार हाफ डे का हमने बताया ही था, मॉर्निंग टाइम में फ्रूट्स ही लेंगे। फिर भी एक क्रेविंग रहती है कि अच्छा फ्रूट लिया, फ्रूट को हम फूड टाइप ऑफ रिगार्ड नहीं दे पाते थे। तो मुझे एक चीज दिमाग में आई कि स्वामीनाथन जी अक्सर कहा करते थे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी साथ साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वो साधु हैं, साधु हैं। तो साधु का मतलब क्या हुआ कि भाई उनको बिल्कुल अलग रखना, आगे पीछे कहीं नहीं करना। जब आपके घर में साधु आते हैं और आप साधु को कितने प्रेम से, रिगार्ड से उनका सम्मान करते हो, उनको देन लेन भी करते हो, तो ठीक है ये फ्रूट्स जब साधु है तो इनको, ये जब हमने माइंड से माना, क्योंकि कहानी मन की है, तन की नहीं है, तन को तो आप जो देंगे वो खुश है, उसको हल्का काम दें ऐसा दें ठीक है, पर मन की कहानी है। तो मन में जब एक धारणा बनाई कि हाँ ठीक है अभी फ्रूट्स, तो मेरा मन शांत हुआ, एक्सेप्ट किया कि ये फूड है, फ्रूट जो है फ्रूट को हमें फूड की तरह लेना है, ऐसे नहीं लेना कि फ्रूट ले लिया है। तो वो वाली विचारधारा जब जन्मी तो फिर बड़ा अच्छा लगा। तो उसमें फिर चैनलाइज किया कि भाई वन टाइम वन फ्रूट हमें चॉइस में लेनी है। मैंने अपना अपने तरीके से चूज किया कि मॉर्निंग में मैं जूस ही ले लूं, क्योंकि हम जूस ज्यादा लेते थे, किसी ग्रीन वेजिटेबल का जूस ले लिया या किसी गाजर का ले लिया। अभी उसको हटाकर हमने केवल फ्रूट, तो किनू किनू को चाहे जूस के फॉर्म में चाहे उसको खा के ले ले, तो मैंने वो चूज किया कि चलो मॉर्निंग टाइम मैं किनू ले लेती हूँ, दो चार। आज भी मैंने किनू लेके खा के बैठी हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड लाइट। चार किनू तो खाया होगा, मतलब छील के खाया, तो बहुत ही, ये आपको शेयरिंग इसलिए हो रही कि यू हैव टू डू, ऐसा ही करना है। और फिर उसके बाद अपनी बीमारियां भी ठीक करनी है, जाड़े को भी भगाना है, हल्का भी रहना है, दुनिया के काम भी करने हैं, सारा कुछ बनेगा इससे। तो ये एक निकल के आया, फिर मैंने वो ले लिया। तो इस तरह से मॉर्निंग में जूस ही लिया, फिर उसके बाद जब भूख लगी तो दूसरी बार में भी आप ले सकते हैं, 2 घंटे के अंदर में भी, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि ये इसमें दो बातें हैं, एक डाइजेशन और एक है आपकी हीलिंग। इसका डाइजेशन के लिए तुरंत ही खून में डिजोल्व हुआ, जो हमें ग्लूकोज चाहिए मिला, एनर्जी चाहिए मिली, काम हुआ, समय बचा अंदर की पावर का, तो उसने तुरंत उस सफाई या जो करना है, कुछ हीलिंग करनी पड़ी हुई है, कहीं आपको सूजन है, कहीं आपको दर्द है, कहीं बॉडी के अंदर ओवर वेट है, कुछ गंदी चीज पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर फोकस करने का हमने, हम लोग एक मौका, मतलब इस रिगार्डिंग दे सकते हैं। तो फलाहार तो अपना वैसे भोजन है ही, लेकिन प्रॉपर पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, पर हफ्ते में 2 दिन करना इज वेरी गुड। तो मैंने इसलिए सबको 2 2 दिन का प्रोग्राम दिया, और सबसे खुशी की बात तो ये हुई कि सबने स्वीकारा, जिसको भी कहा, किसने तो 4 6 दिन भी करा, कहा कि नहीं मेरे को ये तकलीफ थी, आराम हुआ, उसने चाह इतने जाड़े में इस समय में, जबकि फीलिंग ये होती कि गरम गरम कुछ खाना है, गरम से गर्मी आएगी, पर बहुत सालों तक मैंने भी फील किया जब गरम गरम तक खाते हैं तो और सर्दी लगती है, लेकिन इस साल जब ठंडा ठंडा खाया, पूरे दिन ही खाया, तो बहुत हल्कापन लगा, कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपर नींद, प्रॉपर एक्टिविटी। हाँ ये एक तो होता ही है कि भाई जल्दी जैसे भूख लग गई, फिर दिमाग में आता नहीं वो खा लेना चाहिए, वो क्रेविंग, इसके लिए ग्रुप बनाया कि भाई हम ग्रुप्स के साथ करेंगे तो एक दूसरे के मोटिवेशन से हम इसको कर सकते हैं। पर चेयरफुली काफी लोगों ने इसको किया, 5 6 ग्रुप बने, 5 5 लोगों के, अभी तो सारे लोग दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने चेयरफुली इसको किया। तो ये है बात, और इसके बाद हम नेक्स्ट आप लोगों से बातचीत तो करेंगे, अब देखेंगे आपका क्या अनुभव रहा, और फिर हम अगला प्रोग्राम भी आज ही डिक्लेयर करेंगे कि इस प्रोग्राम मैंने ऑनलाइन नहीं, अगला आपको 2 दिन क्या करना है, फ्रूट पे रहना है या आपको सैलेड और फ्रूट को मिलाना है या क्या करना है, वो भी डिक्लेयर करेंगे। तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम साथ साथ प्रैक्टिकली इस साल को प्रैक्टिकल ईयर के रूप में मनाएंगे, तो कुछ ना कुछ हम और भी अच्छा फ्रूट बना सकते हैं स्पीकिंग नेचर पे, और बहुतों को लाभ होगा, हमको जब होगा तो सबको होगा, हमको माने जो लोग भी इस पे जुड़े हुए हैं उनको कोई लाभ ज्यादा होता नहीं, इसलिए वो चुप करके ग्रुप में बैठे रहते हैं और मौका मिलते मिलते ही क्विट भी कर जाते हैं, लगता है कि नहीं कुछ तो यहाँ हो ही नहीं रहा है।
तो आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, जैसे पल्लवी जी और मनीष जी निकल के आए हैं और ये प्रैक्टिकली अपना योगदान अपने समय का दे रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, तो वैसे और लोग भी अपना अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका भी फायदा है, दूसरों के फायदे में अपना फायदा तो बहुत ही होता है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये भी मेरी एक गुजारिश है आज के प्रोग्राम में कि लोग थोड़ा एक्टिव होएं, कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ प्रोग्राम के लिए एडवाइस करें, चाहे अपने आप से करें, वो एडवाइस करें, मुझे करें, तो मैं ऑनलाइन और प्रोग्राम रखूं, है ना, ताकि आपकी जो प्रैक्टिकल में जो समस्याएं आती हैं, चाहे बीमारी के रिगार्डिंग है, चाहे मानसिक रूप से है, चाहे पारिवारिक है, किसी भी तरीके से एक के साथ अनेक चीजें जुड़ी हुई होती हैं, अगर हमने डाइट रिफॉर्म किया। अब दूसरी बात मेरे दिमाग में ये आती, बहुत दिनों से चल रही है तो मैं शेयर तो जरूर करूंगी, मुझे लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं बाहर, हम इतना ज्यादा फैलाव कर दिया है हमने, क्योंकि फिर हमारा दिमाग प्री कंसीव्ड ही रहता है कि अगर हम फल ले लें या हम अपने खाने को ऐसे कर लें तो ये कैसे मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, तो विटामिन्स कम हो जाएंगे, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये सोचना आपका मैटर नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर खाद्य पदार्थ तैयार हुआ है, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, उनमें भी वो पांचों चीजों से मिलकर ही तैयार हुआ, जैसे आप तैयार हुए हो, हम तैयार हुए जैसे पांच तत्वों से मिलकर, वो उसमें सारे पांच तत्व होते हैं पर कोई कम कोई ज्यादा ऐसे मिलके, इसलिए सीजन की चीजों को लेने की बात आती है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि इस समय हमको ये भी चाहिए, जो अवेलेबल आपको है, जरूरी नहीं कि हम अगर फ्रूट डाइट पे चलें तो हमें फ्रूट ऑल टाइम अवेलेबल हो, हमें धरती के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना है ना, रिसोर्सेस के बारे में भी, कोई हर्टिंग ना हो, कोई उसमें विहिंसा ना हो, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो सोचकर हम चलते हैं तो अपना जीवन भी बहुत हल्का हो जाता है, उसमें कोई भी ऐसी क्राइम नहीं होते हैं और मन शुद्ध होता जाता है, डाइट रिफॉर्म के साथ साथ माइंड रिफॉर्म बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये 100% सत्य है, जो जिस काम में भी आप जुटे होंगे, चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो, बहुत लगन से बहुत आसानी से कर सकते हैं, यदि आपने डाइट को समझा, रिफॉर्म किया। और रिसोर्सेज की जो बात आई, तो घर में जितना ज्यादा बाहर फैलाव रहेगा उतना अंदर भी फैलाव आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो धीरे धीरे उनको भी कम करते जाएं और अंदर की भी काम को कम करते जाएं, तो बहुत आनंद ही आनंद है, बहुत ही अच्छा लगेगा, जो जिसके ऊपर हम तो चल ही रहे हैं और हम चलेंगे तो हम सबको साथ ही लेके चलने में मुझे खुशी है, खाली हमारे चलने से तो कुछ नहीं होने वाला है, सबको साथ लेके चलना है, तो मैं बोलने को तो और बहुत कुछ अभी और भी बता दूं बोल दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कोई टॉक नहीं है, केवल नेचर से कैसे जुड़ना है, इसमें आप लोगों के व्यूज आज के प्रोग्राम में ज्यादा मैटर करते हैं, तो पल्लवी जी इन लोगों को आप मौका दें जो इन लोगों ने करा है, हमारे भाई बहनों ने प्रोग्राम किए हैं, तो उस रिगार्डिंग वो अपना बारी बारी से कुछ बताएं, कुछ और सोचें या पूछें। थैंक यू शशि जी, बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया, और हम में से बहुत लोग इसको आगे और भी करेंगे और अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे, जिससे एक दूसरे का खुद को बहुत प्रोत्साहन मिलता है एक दूसरे के अनुभव को जानने से, और हर किसी के अनुभव भी काफी अपने आप में यूनिक होंगे, ऐसा मेरी मेरा विश्वास है। किसी को भी अपना अनुभव शेयर करना है जिन्होंने इस प्रोग्राम को फॉलो किया है, प्लीज कृपया अपना हैंड रेज करिए और हम सभी लोग आपके अनुभव को सुनना पसंद करेंगे। और मैं भी अपना कुछ अनुभव शेयर करूंगी थोड़ी देर में। हरप्रीत जी अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हरप्रीत जी, हेलो, हेलो हरप्रीत जी, हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं। जी पल्लवी जी, नमस्ते जी। आप आते हो तो नमस्ते, बहुत नमस्ते। अच्छा लगता है, आपके आने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप जब भी प्रोग्राम में आते हो हम समय निकाल के आपको जरूर सुनते हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप थैंक जरूर आया करो, आपके आने से ही मुझे मतलब मोटिवेशन ज्यादा होता है, क्योंकि आपके भी छोटे बच्चे हैं, आप एक्सपीरियंस देते हैं काफी अच्छा, आप जरूर आया करो, आपके लिए हम यू। जरूर समय निकालते हैं आपको सुनने के लिए। और
शशि दीदी तो हमारी है ही एक तरह से साक्षात भगवान, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। कोई भी समय हो चाहे किसी भी समय मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल पिक करा, मेरी बहुत हेल्प की है। वो तो मेरे लिए साक्षात भगवान है, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत हेल्प करी है, हमेशा मेरी माँ की तरह मेरे साथ खड़ी रही है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनको मैं हर घड़ी याद करती हूँ। अब उन्होंने मुझे फ्रूट के लिए बोला था 2 डेज का, मैंने वो भी प्रोग्राम उनका लिया और उसमें मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे मतलब एक जैसे खाने की कोई क्रेविंग हुई नहीं। फूड पे रहे तो मतलब फूड भी बहुत ज्यादा नहीं कि जैसे बहुत फूड खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं, और इतनी भूख भी नहीं लगी, इतनी क्रेविंग भी नहीं, नॉर्मली 2 डेज ऐसे निकल के पता भी नहीं चला। चाहे वो 10 डेज भी कर सकते थे, बस थोड़ा सा सर्दी की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम उनका। दीदी जो भी देती है ना वो काम मतलब हो जाता है, वो एक बार कहती है उनके कहने से ही वो काम मेरा ऐसे हो जाता है, मुझे पता ही नहीं, मना भी नहीं कर पाती और मतलब करती हूँ और खुशी से कर लेती हूँ, पता भी नहीं चलता कि मेरा काम कैसे हो गया। मतलब उनमें शायद कुछ है परमात्मा की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है मुझे, हर घड़ी वो मेरे साथ खड़ी होती है। जब भी मुझे कोई दिक्कत हो, जब भी उनको कॉल करती हूँ, मेरी कॉल जो पिक करती है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू दीदी। हरप्रीत जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन है, जब आपको ये पता चला कि अब मुझे 2 दिन फ्रूट्स पे रहना है, तो आपको आपने जब शुरू किया तो हो सकता है बहुत ज्यादा मॉरल हाई रहा हो, आपने सोचा चलिए मैं करती हूँ, लेकिन किसी वक्त पे आपको ऐसा लगा कि अरे मुझे खाना है, या खाने की याद आ रही थी, या और लोग जब खाना बना रहे थे तो उसकी सुगंध आपको लुभा रही थी, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ, या आप बिल्कुल दृढ़ निश्चयता के साथ आपने इसको फॉलो किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ये मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने खुद ही खाना बनाती हूँ घर पे, बच्चों के लिए भी, सबके लिए, और वो फेवरेट चीजें बनाई जो मैं भी खाती थी। wow. लेकिन मुझे बिल्कुल क्रेविंग नहीं, तो मैं मतलब कुछ भी बनाती थी तो उसमें थोड़ा बहुत ले लेती थी, मुझे क्रेविंग होती थी, मैं खाती थी, लेकिन इसमें मेरा इतना दृढ़ निश्चय था कि मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मुझे खाना, वो मेरा फेवरेट था, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इसमें से कुछ खाना है, मैंने नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, और मुझे क्रेविंग भी नहीं हुई, और मेरी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मुझे ये खाना है। मैं मतलब जो कर रही थी मुझे वो अच्छा लग रहा था और मेरी फेवरेट चीजें बनी हुई थी और मैं जरूर खाती हूँ, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हुई कि मुझे दिला, नहीं हुआ मुझे कुछ भी ऐसा कि मैंने कुछ छोड़ा, नहीं लगा ऐसा। तो आपने 2 दिन फ्रूट्स पे रह के अपनी इंद्रियों को की ऊपर विजय प्राप्त कर ली एक तरह से। बिल्कुल करी, और अच्छे से करी, मतलब ये भी नहीं कि फ्रूट की भी बहुत ज्यादा क्रेविंग, जैसे मैंने फ्रूट भी बहुत ज्यादा नहीं लिया कि मैंने पूरा दिन फ्रूट ही खा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, पपाया ले लिया, एक बार बनाना ले लिया, थोड़ा सा अनार छील के ले लिया, बस इससे ज्यादा फ्रूट भी मैंने खाया, बहुत ज्यादा फ्रूट खा रही हूँ या बहुत क्रेविंग हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं, आराम से डे पता भी नहीं चला 2 दिन निकल रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू हरप्रीत जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपने अपना। थैंक यू मीनू जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज ज्वाइन करिए डिस्कशन को। शांति, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है, ओम शांति। हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, 2 दिन किया था मैंने, इनफैक्ट मेरे थोड़े हाथों में भी स्वेलिंग थी, तो मैंने जब ये किया तो उससे भी मुझे उसमें भी बहुत फर्क लगा उससे, है ना, और थोड़ा इंडाइजेशन भी था, वो भी बेटर लगा फ्रूट करने से, आज भी इनफैक्ट मैंने आज भी रखा हुआ है फ्रूट का ही फास्टिंग। हाँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मीनू ने फ्रूट डे उसको नाम दिया, फ्रूट डे, ये बहुत मुझे अच्छा लगा था, जब फ्रूट डे, फ्रूट फास्टिंग नहीं बोला, अपने ऑफिस में फ्रूट डे इसको डिक्लेयर किया, जब लोगों ने पूछा कि आज आप फ्रूट ही खा रहे हो, तो कह रही है हमारा 2 दिन फ्रूट डे है, जैसे लोग फादर्स डे मदर्स डे मनाते हैं, तो दैट वाज वेरी गुड। हाँ, बल्कि मुझे पहले लग रहा था कि पता नहीं खाली फ्रूट से होगा कि नहीं, मैं दीदी को कह रही थी कि वेजिटेबल ले सकती हूँ, कहती नहीं दीदी ने कहा नहीं फ्रूट ही लेना है, फ्रूट लो या नारियल पानी लो, तो फिर मैंने वैसे ही वो ही लिया था, फिर तो अच्छा लगा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत। मीनू जी, आपने बोला कि आपको थोड़ी सूजन थी और थोड़ा इनडाइजेशन था, तो आपको उसके करके थोड़ी भूख भी कम रही होगी, या आपकी भूख पूरी लग रही थी इससे पहले, फ्रूट डे से पहले भी आपकी भूख किस तरह की थी? हाँ, पहले तो मेरे को ज्यादा भूख लग रही थी, बल्कि तो फ्रूट में भी मेरे को उससे भी बेटर लगा, उसमें इतनी भूख नहीं लगी मेरे को, फ्रूट्स खा के भूख कम लगी, हीलिंग।
बिकॉज हीलिंग स्टार्टेड दैट टाइम. इसलिए देखो इसमें से ये हाँ पल्लवी जी ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है और बहुत सुंदर है ये जानना ज्यादा जरूरी है. और मेरे को जैसे हाथों में भी स्वेलिंग मैंने नोट किया, पिछले विंटर्स में ज्यादा हुई थी पैरों में, इस बार वो स्वेलिंग भी कम है, हुई है मतलब बहुत, पहले से तो बहुत कम है, एक ही फिंगर में इनफैक्ट, पहले तो काफी रेड हो गई थी, इस बार नहीं हो रही है, शायद ये बिल्कुल इसीलिए है बिल्कुल. क्योंकि मैंने अपना खाना पीना थोड़ा फ्रूट्स वगैरह मैंने शुरू कर दिया और थोड़ा वीट वगैरह डाइट कम करी, तो इस वजह से भी है. वेरी गुड. एक्चुअली दीदी ने हमारे को ना एक और हमारी माँ से मिलाया, प्रकृति माँ है ना, पहले हमें अपनी इस माँ का ही मालूम था है ना, और अब हमें इस प्रकृति माँ का भी पता चला है ना, कि जिससे हमारी ये बॉडी मिली हुई है, हमारी 5 तत्वों के शरीर से, चीजों तत्वों से शरीर बना हुआ है ना, तो मैं इसको तो हमें पता ही नहीं था इस बात का, तो ये दीदी ने ही हमें इसके बारे में बताया कि ये भी एक हमारी माँ है और ये हमारे को पूरी हीलिंग करती है. थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा. थैंक थैंक यू मीनू जी. अभी हमारे साथ यू. रत्ना जी जुड़े हैं. रत्ना जी आप प्लीज अपना अनुभव शेयर करिए, आई एम श्योर आपने भी फ्रूट डे किया है. हाँ बिल्कुल किया है. हाँ किया था एक्चुअली. नॉर्मली तो इसी पे रहती ही हूँ. मेरा नॉर्मल लाइफ भी फ्रूट के ऊपर ही, फूड पे ज्यादा डिपेंडेंस है. और अभी इधर काफी ट्रैवल हो रहा था तो पूरे दिन फ्रूट्स पे ही निकाल लेती हूँ मैं. और फ्रूट्स खाना इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ लाइफ देन एनी अदर वे. अगर जैसे ज्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ सिट्रस एंड गुआवा एंड आई वॉज एंजॉइंग इट. तो मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा इसका फ्रूट डाइट पे रहने का. और इनफैक्ट अब मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ. तो कि हम लोग कुछ कोई दिन मुकर्रर कर लेते हैं, महीने में 2-3 दिन, और सबको अनाउंस करते हैं कि इन दिनों में करना है. उसमें मे भी आप ऐड कर लो कोई फेस्टिवल, ऐड कर लो एकादशी, ऐड कर लो कोई हाँ बिल्कुल, भी. वो ज्यादा अच्छा हो जाता है बहुत ही. हाँ उसको कोई 2 या 3 दिन का एक बना दीजिए हर महीने का. जिसको ज्वाइन करना है करे, नहीं करना है ना करे, बाद में नहीं, कर करेंगे सकते ये सारे, बल्कि अब हफ्ते में बनेगा, अब महीने में नहीं. और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, जब मेरे विचार आए थे, तो मेरे साथ 2 लोग चलती हैं जो मेरे मॉर्निंग वॉक में, वो इस हैं. ग्रुप में नहीं है, और उनका एकादशी पड़ा हुआ था. तो हमने कहा भाई हम कुछ फ्रूट पे चलना चाहते हैं, क्योंकि जरा सा जो सपोर्ट मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है. तो उन लोगों ने तुरंत कहा कि नहीं हम भी फ्रूट पे चलेंगे, क्योंकि हमारा एकादशी है, हम दूध वगैरह मूंगफली वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि व्रत में हाँ लोग अनाप शनाप चीजों को लेते हैं. तो उन बहनों ने भी, दोनों बहनों ने 2 दिन फ्रूट पर अपने आप को निकाला, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा. बट ठीक है, उन्होंने हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दी. तब मुझे लगा कि जब ये 2 बहनें कर सकती हैं तो मैं अपने ग्रुप में इसको क्यों ना हाईलाइट करूं. तो फिर हमने अच्छा है. उसके बाद ही, उनकी वजह से ही मुझे ये मोटिवेशन आया कि जो हमारे स्पीकिंग नेचर के भाई बहन हैं उनको, तो उसमें भाई लोग भी हैं, उन्होंने भी एक्चुअली फ्रूट को, फ्रूट डे का मतलब यही है कि हम फ्रूट पर तो रहते ही हैं. मेन थिंग इज दैट कि अभी हमें सुबह से शाम तक लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग केवल फ्रूट, ओनली फ्रूट पर चलाकर ये देखना था कि हम क्या वास्तव में फलाहारी ही हैं या जो फ्रूट है. अब उसमें कितनी 2 दिन में लोगों की बचत हुई, जो मैंने रिसोर्सेज की अभी बात की थी, कि अगर हम कोई भी कुक्ड फूड लेते हैं, जो मेरा भी बहुत दिनों से विचार था कि कुक्ड फूड में बहुत सारी चीजों को मिलाना होता है, वो पूरा संपूर्ण नहीं होता है. अगर हम रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो पकाते, जब पका देते हैं तो बिना सॉल्ट मिलाए वो काम नहीं बनता, माने कि सॉल्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब हमें तो सॉल्ट छोड़ना था, सॉल्ट को हटाना था. ठीक है सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर सॉल्ट जैसा जहर तो वाकई नहीं, जब छोड़ा तो पता चला, जब छोड़ा तो उसको छोड़ने के लिए फ्रूट को अडेप्ट करना पड़ा, क्योंकि कच्ची सब्जियों को भी या स्प्राउट को खा के भी मजा नहीं आता है, लेकिन जब फ्रूट आप खाते हो तो होता क्या है साइंटिफिकली, कि आपकी टंग या लिवर क्लीन होने लगता है. तो मैंने फील किया कि मेरा टंग क्लीन होने लगा. टंग क्लीन का मतलब कि शुरू में फ्रूट ऐसे ही होते हैं, लगते हैं ठीक है हम खा रहे हैं, मैकेनिकली भी खा रहे हैं, यानी हमें खाना है तो खा रहे हैं, लेकिन जब आप 2, 4, 5, 10, मुझे तो लगता है कि लगभग मैंने 28 से शुरू किया था और अब आप देख रहे हैं कितनी तारीख है, इतने तारीख तक मैं लगभग अपने मेन फूड को मैंने फ्रूट ही रखा.
और गुड़गांव जाने पर एक दो ओकेजन थे उसमें बहुत थोड़ी सी कोई चीज ली, लेकिन जैसे पहले लेते थे भरपेट खाते थे वो वाला डाइट नहीं रखा तब से लेकर अब तक। तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस अब लेता जा रहा है। इसमें ये बात नहीं कि फ्रूट लेंगे तो मुझ में ये कमी आ जाए। आई एम द ऑब्जर्वर, मुझे अपने आप में सबको खुद ऑब्जर्व करना है। नो बडी कैन टेल कि भाई ये चीज लोगे तो फायदा है, ये चीज लोगे तो फायदा है। इससे ही तो हम बर्बाद हुए। अब आप देखो अगर आपको फ्रूट से नहीं ठीक लग रहा आप सब्जी ऐड कर लो, आप एक आध टाइम कुछ उबला हुआ और चीज ऐड कर लो, बट जो आपके शरीर को हीलिंग देता है और ताकत देता वो एक्चुअली तो फ्रूट है, क्योंकि वो उसमें कुछ भी मिलाना नहीं है। आप उसको वैसे ही ले सकते हो, ऑफिस में ले सकते हो, अपने ट्रेवल में ले सकते हो, फास्ट में ले सकते हो, घर में ले सकते हो, कहीं बिजी हो तो ले सकते हो, वेरी इजी। कुछ फ्रूट तो इतने इजी है, छीला और बस खाया। तो ये सारी चीज जब आप तय करते हो ना इस जर्नी में, तो आप एक मतलब कि पूरा एक्सेप्टेंस के साथ, इंजॉय के साथ। मैं खाना कुक करती हूँ अपने घर में, इनके लिए कुक करती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन धीरे शुरू में क्रेविंग होती थी मुझे भी कि मैं 2 चम्मच तो खा लूं, फिर मुझसे लगने लगा कि 2 चम्मच में क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं ना, ये 2 चम्मच की बात नहीं है, मुझे समझना है इसके बारे में। तो मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, कुछ ऐसे लोग जो फ्रूट पे चल रहे हैं उनके साथ थोड़ा जुड़ी भी मैं, तो जुड़कर उनमें से जो जैसे मधुमक्खी की तरह गुणग्राहीपन की जो अच्छी चीज है उसको मैंने लिया। हर चीज नहीं लिया, स्टबर्न नहीं लिया कि भाई अगर आपको कभी फ्रूट नहीं मिले, क्योंकि हर सीजन में 1-2 महीने का फ्रूट ही होता है, बाकी नहीं होता है। तो उस समय के लिए ऐसा ना हो कि आप अपने दिमाग में बना लें कोई ऐसी हठधर्मी नहीं करनी है किसी को भी, मैं मुझे फ्रूटेरियन बनना है, ब्रीडेरियन बनना है, क्या बनना है, जिस जो भगवान ने बनाया वो आप बने हो। आप अपने आजने को देखो, अपने घर को देखो, अपनी उम्र को देखो, उस हिसाब से आप चॉइस कर लो, इट्स अप टू यू। कभी आपको खाना पड़े तो खा भी लो, ऐसा ना हो कि भाई हम खाली फ्रूट पे चल पड़े सालों साल सालों साल, फिर हम जब कुछ खाने लगे अंदर वाले को काम हल्का हुआ तो बाद में जरा भी भारी काम नहीं कर पाए। लेकिन जो डिपेंडेंसी थी हमारी सेकेंडरी फूड पे, वो घटाने की बात में फ्रूट बहुत हेल्पफुल होते हैं। उनमें कुछ नहीं मिलाना होता है, ना मसाले, ना तेल, ना घी, तो ना हार्ट डिजीज, ना स्पॉन्डिलाइटिस, ना कोई दर्दें, ना कुछ, एकदम फरिश्ते उड़ते हुए आप हल्के नजर आते हो। तो वो मैंने अनुभव इस जनवरी के दौरान किया और अभी भी हमारा फ्रूट ही चल रहा है। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड एक्चुअली माई सेल्फ एंड एक छोटा सा इंटरप्ट करूंगी इसमें। जैसे दूसरे दिन शाम को मुझे थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पानी पीना पड़ा था, क्योंकि मेरे को एक सर में हल्का सा नॉकिंग पेन हो रहा था राइट हैंड साइड में, और चूंकि मैं ऑलरेडी एक बार ये हेमरेज वगैरह सफर कर चुकी हूँ, तो मुझे हल्का सा लगा कि भाई मेरी वजह से घर के और लोग परेशान ना हो, तो मैंने वो थोड़ा सा शाम को गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पिया था। ये मैं बता रही हूँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ऐसी शरीर की चीजें इधर उधर हो जाती हैं जब कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं, तो रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो जाती है। लेकिन जो लोग हेल्दी हैं, जो ऐसी बीमारियों में अभी ज्यादा नहीं है, तो वो अपना करके देखें, कोई 2 दिन 2 दिन की बात है, बाकी तो आपको खाना खाना है। बिल्कुल नमक सबके लिए नहीं है कि सब छोड़ के ही बैठ जाए, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन रिड्यूस द सॉल्ट, हाँ, तो मैंने वो बट थोड़ा रिड्यूस सा द सॉल्ट। तो मेरे को ठीक लगने लगा था पीने के बाद, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। आज शायद मैं निकाल लेती अगर मेरे को वो सब ना नहीं, हुआ नहीं, होता। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये इंटरप्ट या बोलना चाहूंगी कि जब हम फ्रूट डाइट पर रहते हैं तो हमारी कोई भी जो मतलब हीलिंग स्टार्ट होती है ना, जो भी चीज पेंडिंग्स होती है, जैसे नमक लिया तो ठीक है उससे बारियों को परेशानी नहीं हुई, मुझे भी नहीं हुई, मैंने नहीं हुई, सप्रेस हो गया। हो सकता है कि नेचर वॉन्ट्स टू स्पेल एनीथिंग ना, बाहर की ओर कुछ डालना चाहती हो, तो डर तो इंसान को लगता ही है, क्योंकि कोई भी चीज बाहर आदमी नहीं लाना चाहता, अंदर ही रहे। अरे हमेशा से नेचर ने यही किया बेचारे ने, कि अंदर ही उसने रखा, चुपचाप करके अंदर कहीं सटका के रखा रहा। तो ये जो 2 दिन की डाइट है, 2 दिन में जब इतनी कुछ हो सकता है, तो जो बहुत सारे दिन करेगा तो उसके अंदर तो कितने चेंजेस आएंगे। हम तो इतना ट्रैवल करते हैं ना, हम आए दिन फल पे ही रहते हैं, हम नहीं खाते हैं कहीं कुछ। मेरा अपना थैला भर के फल रखती हूँ, जहां जो अपॉर्चुनिटी मिलती है निकाल के खा लेती हूँ। नहीं, इट इज वेरी गुड, का तो पूरा ये तो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो फैमिली में है, जिनको हर वक्त पराठे बनाने हैं, बच्चों के लिए टिफिन प्रिपेयर करना है, मेन थिंग इज दैट कि वो आप करते हुए, ये बड़ा बात नहीं है कि आप फल खाओ, बड़ी बात ये है कि आप इन सब चीजों में रहते हुए क्या आपका ज्ञान इतना है जो हमारे पूर्वजों को भी था।
इस मामले में अभी हम कमजोर ही हैं हम लोग, क्योंकि हमें सारी चीजें दिख रही हैं, सब कुछ देखते हुए क्या आप अपने ज्ञान के द्वारा वहां पर अपनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर को अपने हाथ में रख पाते हो या सप्रेस करते हो? क्योंकि बहुतों ने दो दो दिन का किया है, अब जिसने बहुत दिन का किया, इसमें एक भाई है वो तो शायद नहीं अपियर हो पाए होंगे, उनको नहीं आता है खोलना, उन्होंने हमारे साथ 6-7 दिन किया, क्योंकि उनको कहीं दर्दे थी, 70-72 साल के वो हैं, तो बोलने लगे मुझे इतना आराम लग रहा है कि मुझे लग रहा और कंटिन्यू करूं और कंटिन्यू करूं, उन्होंने किया, पर उनके घर वालों ने फिर उनको रोकना शुरू किया, क्योंकि गवर्न गवर्न तो कहीं और से आप होते हो ना, सबसे बड़ी बात है कि हम क्या होता है कि थोड़ी सी भी तबीयत ढीली होती है ना, जैसे हम लोग दो के लिए रहते हैं एकदम स्वस्थ और रहते हैं, तो मेरे लिए इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है जब हम अकेले होते हैं, तो बहुत इजी से मेरे लिए इजी हो जाता है। वर्मा जी तो बेचारे बहुत साथ देते हैं, वो भले पूरी तरीके से ना भी रहे फ्रूट डाइट पे, लेकिन वो हमें तो नहीं ना रोकते हैं कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, अब मैं ऑब्जर्वर हूँ। इसी के अलावा एक फियर जो एक जो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि एक हल्की सी मन में कहता है कि कुछ ऐसा ना हो कि अगले को कोई परेशानी हो जाए, हाँ ये चीज एक आपके मन में रहती है हमेशा। नहीं यहाँ यू हैव टू एडजस्ट एंड एकोमोडेट। मैं भी जब अपनी गुड़गावा गई तो वहां पर ऐसी हैपनिंग डे था, तो हमने वहां पर जो चीज मुझे नहीं बिल्कुल मतलब सोचा था कि नहीं लेंगे, लेने में बुराई नहीं है देखो बिल्कुल भी, अगर आप उस टाइम ले लेते हो वो चीज तो उसमें बुराई नहीं, पर आपने अंदर से कितना मैग्नेटिक आकर्षण रखा, एक होता है कि भाई अगले को एडजस्ट एकोमोडेट करने के लिए आई हैव टू फॉलो दिस, एक होता है कि नहीं अपनी भी क्रेविंग है या अपना भी अज्ञान मतलब अपनी बात है कि चलो मौका आया है तो हम इसको ले लें, तो अगर एक छोटा सा भी आप मौका ऐसा अपनी तरफ से देते हो ना, तो आपकी की कराई जो भी तपस्या होती है ना यार, जो भी बात होती है वो थोड़ी सी फिर आपको पीछे की ओर लेके जाती है, तो अगर आगे बढ़ रहे हो तो निश्चय बुद्धि से बढ़ो, प्योरिटी से बढ़ो, सत्यवादिता से बढ़ो, ज्ञान से बढ़ो, जबरदस्ती से नहीं, किसी से नहीं। मैंने इसलिए सिर्फ लोगों को बताया 2 दिन की, मेरे कहने से नहीं करना है, आपको 2 दिन में अनुभव करना है कि जब आप खाली फ्रूट पे रहते हो तो क्या होता है, जब आप सैलड पे रहते हो तो क्या होता है, जब आप बॉयल्ड पे रहते हो तो क्या होता है, जब आप कुछ भी नहीं लेते हो तो क्या होता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ बहुत पतले पतले से हो जाते हैं नेचर की ओर को फॉलो करके, लेकिन मुझे लगता है जब खाने को मिलेगा ना चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो, तो आप पतले नहीं होंगे बल्कि आप और अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, हल्के लगेंगे, नहीं नहीं जो फेस पे ग्लो आ जाता है और काटते हुए कुछ उसका गुदा गुदा फेस पे डालो तो और अच्छा हो जाता है। बताओ इवन आपको ब्रशिंग, इवन आई फील दैट टाइम कि जो ब्रश करते हैं हम अपने टूथपेस्ट वगैरह लगाते हैं उसकी भी जरूरत नहीं रह जाती, इतनी ब्रशिंग की जरूरत नहीं रह जाती है, टीथ क्लीन क्योंकि उसके रस जाते हैं तो कितने काम करते हैं, वो तो चाहे वेजिटेबल्स हो ओनली, हमारा यही नहीं है, लेकिन वेजिटेबल खाने में जो मैंने अनुभव किया, कच्ची वेजिटेबल में गाजर वगैरह आप खा सकते हैं लेकिन हर समय हर चीज को बल्क में नहीं खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट आप हर पेट खा सकते हैं, बस इस वजह से मैंने इसको अडॉप्ट किया और ये प्रोग्राम दिया और ये प्रोग्राम रखा, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा, इसको अब मंथली आप बना लो आपका। या आप सब लोगों के सहयोग से और बहुत ही मुझे इतनी ताकत मिली, ताकत आप सब लोगों से मिली, जिससे भी मैंने बात किया किसी ने नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा मैं जरूर प्रोग्राम बनाऊंगी, वो बहुत बढ़िया बढ़िया, और हम जल्दी जल्दी फिर ऑनलाइन पर भी मिलेंगे, अभी हम जब ये काम करेंगे तो एक्सपीरियंस लेके आपको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अब मैं कहीं बाहर, हाँ ठीक है, तुम बाहर ही हो, आई नो दैट कि अपने घर में नहीं हो, बट थैंक यू सो मच रत्ना, डाउनलोड ही नहीं आ रहा था टेलीग्राम को, इसलिए लेट हो गया ज्वाइन करना, सो आई एम हैप्पी टू सी यू हियर माय प्रोग्राम, और ताकत मिलती है, एंड रत्ना इज माय क्लोज फ्रेंड, तो सुबह मिलेंगे 26, या आई यूज टू गो एवरी डे मॉर्निंग 6:30 Even foggy weather. अभी हमारे साथ विक्की जी जुड़ना चाह रहे थे, विक्की जी, फिर मैं अनीता जी भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं विक्की जी को अनम्यूट कर रही हूँ, विक्की जी आप आ सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके। हेलो जी, नमस्कार सबको, मैम का भी मैसेज देखा कि मैं आज मीटिंग रखा है मैम ने, सो हैप्पी टू सी यू विकी, थैंक यू मैम। विकी जी आपने भी क्या 2 दिन का फ्रूट डे करा है, तो आप कुछ शेयर करिए
विक्की को शेयर नहीं किया था मैंने जो मैं नहीं शेयर जानते तो थे फिर एक क्योंकि घंटे मैंने पहले ये ना किया। डिस्क्लोज, ये कहीं क्लोज नहीं किया था ना, मतलब इसको डाला नहीं था, डिस्क्लोज नहीं किया था किसी ग्रुप में, ये पर्सनली आई वाज जस्ट ट्राइंग, इसलिए विक्की को तो नहीं पता था। तो अनीता जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अब अनम्यूट कर रही विक्की हूँ। को बोलने कुछ बोलना चाहती हो विक्की? बोलो, नहीं आगे मैम वाले में वो तो आप करेंगे, देंगे प्रोग्राम आपके सारी चीजें फॉलो तो करते हैं मैम। पर विक्की को देखकर सब लोग खुश हो, क्योंकि पहले इसकी आवाज ठीक नहीं थी और बहुत परेशान था सालों साल भर, तो बहुत ही परेशान था, पर इसने जुटकर मेहनत करी और अपने आप को एक परफेक्ट मैन के रूप में तैयार किया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, क्योंकि इसके पहले तो आवाज ही नहीं आती थी विक्की की, बट अभी तो विक्की को काम करना भी है इसमें, ये स्पीकिंग नेचर के, और करते हैं, विक्की का बहुत योगदान है। मेरी जितनी भी रील्स बनती है वो सब विक्की बनाते हैं, जो मैं डालती हूँ अपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, कहीं भी लगभग इनकी ही वो होती है कलाकारी, की कहाँ कौन से उसमें लेना है एंगल से कैसे, तो इसलिए थैंक यू विक्की। अनीता जी को मैंने अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। अरविंद कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। उन्होंने भी किया है फ्रूट डाइट। अरविंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आ रही है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार, आप सर अपना अनुभव शेयर करिए आपने, हम लोग। हाँ जी, दीदी ने मेरे को कहा था, शशि जी ने, तो कल जो है फ्रूट डे है, तो मैं एक तो हफ्ते 10 दिन में, पहले तो 15 दिन में तो पक्का, एक दिन केवल नारियल पानी वाला ही फास्ट करता हूँ, जिसमें 2-3-4 बार नारियल पानी पी लेता हूँ। तो वो मेरा ड्यू भी होने को था, तो मैंने जो है जो फ्रूट डे में एक दिन तो केवल नारियल पानी पिया था, एक बार बस। वो इसलिए पिया था कि उसका कारण ये था, एक दिन पहले थोड़ा ज्यादा खा लिया था बस किसी वजह से, तो एक दिन तो मैंने केवल नारियल पानी पिया एक बार, और अगले दिन मैंने 2 बार फ्रूट खाए थे, एक बार तो मैंने कीनू खाया था, एक बार पपीता खाया था। तो इससे ये मेरा तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, 23rd ईयर है, शशि जी को तो पता है, 23वां साल है मेरे को नेचर पैथी करते। तो इससे हमेशा ही एक नॉर्मली सबसे आप पूछोगे तो एक तो हल्कापन होता है, और एक जो है डाइजेशन अच्छा होता है, भूख पहले से ज्यादा लगने लग जाती है जब भी हम इस तरह के फास्ट करते हैं। नारियल पानी वाला करो तो और भी ज्यादा है, लेकिन अब कई दिनों तक तो फ्रूट फ्रूट वाला हम कर सकते हैं, तो इससे ये है कि मतलब टाइम पे आपको भूख लगेगी, और चीजों में तो ये कई लंबे समय तक आप नहीं फास्ट करते ना, भूख कम लगने लग जाती है। तो ये मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, तो अभी 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगा, एक तो सबने ग्रुप में किया तो और भी मतलब आदमी को अच्छा लगता है कि और भी लोग कर रहे हैं, मैं अकेला ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसीलिए इसलिए ग्रुप हाँ बनाया था। जी, हाँ जी, हाँ जी, उससे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक एक सर्दी में बड़ा अच्छा है कि एक सर्दी में ना इन दिनों में काफी सारे फ्रूट मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे मिलते हैं, सस्ते ही मिलते हैं, बढ़िया ही मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्रूट जो है इतने अवेलेबल होते नहीं हैं, मैंने देखा ये अब जुलाई अगस्त में इतने ज्यादा मिल नहीं पाती, इतनी अब वैरायटी है ना, अब जैसे पपीता भी इतना अच्छा आ रहा है, हर चीज ना बहुत अच्छी आ रही, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं पड़ी चेक करने में फ्रूट भी, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू जी। थैंक यू अरविंद जी। दो चीजें निकल के आई जो आपने बोली, और वो मेरे अनुभव में भी हैं। मैं जब 16 साल की थी तब से मैं नेचर प्योर फॉलो कर रही हूँ। आप में से बहुत लोगों को ये बात ऑलरेडी पता होगी। तो कुछ अनुभव में नहीं मेरे भी है कि दो चीजों में फ्रूट डाइट बहुत ही कहते हैं मैजिकल रही है, जो है अगर आपने बहुत स्ट्रेस लेके काम कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है ऑफिसेज में या वर्क प्लेसेस में कि काम जरा ज्यादा लोड लोड पड़ जाता है और आप ओवरनाइट भी कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कि जब आप ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर वर्क कर चुके होते हैं तो भी
अगर आप फ्रूट डाइट पे रहें तो आपको आराम मिलता है, एक एक अलग तरीके की हीलिंग का एक्सपीरियंस फील होता है बॉडी में। और दूसरा अनुभव है, जैसा अभी अरविंद जी ने बोला कि एक दिन पहले थोड़ी हैवी डाइट हो गई थी या किसी वजह से डाइट आपको डिस्टर्ब कर रही थी, तो आपने जब नेक्स्ट डे खाया, तो ये चीजें हमने बहुत अनुभव की हैं। कभी हम बाहर ट्रैवल किए या कहीं दोस्तों के साथ बाहर गए और उसके बाद नेक्स्ट डे हमेशा से हमारे यहाँ रहा कि मैंने फिर नेक्स्ट डे फ्रूट डाइट, हाँ स्किप डाइट फ्रूट डाइट ये रहा। लेकिन ओवर द पीरियड ये भी समझ में आया कि ये ठीक तो है, जो नेचर क्योर में एक कहते हैं कि लोग पतले हो जाते हैं, ये बड़ा फियर है लोगों का, वो शायद इसीलिए भी है कि हम ये चीट करते हैं बीच बीच में। कंटिन्यूअस अच्छी डाइट रखना एक चीज है और फिर डिसरप्टेड अच्छी डाइट रखना अलग चीज है। जो हम आज आमतौर पे जो हम करते हैं वो डिसरप्टेड डाइट रहती है कि कभी अच्छा खाया कभी खराब खाया, ये जो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गुड डाइट है इसकी वजह से हम पतले हैं, ये ऐसा मेरा अनुभव है। चिन्मय जी मुझे भी ऐसा लगता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे ठीक कह रहे हैं आप। हाँ इसलिए हम, क्योंकि हम आइडियल वे में, बहुत कम लोग हैं हम में से जो निकल पाए हैं आइडियल वे में करने के लिए, तो उनको आप देखिए और कुछ हम लोगों में से जैसे लोग हैं जो करते हैं नहीं करते हैं करते हैं, इस डिसकंटिन्यूएशन के चक्र में फंसे हुए हैं, उनकी हालत कुछ ऐसी है। लेकिन फिलहाल मैं फिर भी ये बोलूंगी कि ना करने से बेहतर है कि भले डिसकंटिन्यूएशन में करो, वो एक स्टार्ट है, अब वो जितनी लंबी भी रहे लेकिन वो आपका निश्चय बनाती चलती है, ऐसा भी मेरा अनुभव है। मैं चिन्मया जी को अनम्यूट कर चुकी हूँ, इसके बाद साक्षी जी भी हैं। चिन्मया जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज आप अपना अनुभव शेयर करिए। नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपको अनम्यूट मैंने कर दिया है। इधर इसके बीच में मैं साक्षी जी को भी अनम्यूट कर रही हूँ। आप साक्षी जी अगर आप आ सकते हैं ऑनलाइन, प्लीज आप आके शेयर करिए। सभी को नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही होगी। जी सुनाई दे रही है बहुत अच्छे से। हाँ बिल्कुल, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। शशि जी ने मुझे कॉल किया और ये इसके बारे में बताया, तो एकदम से सुन के तो मैं थोड़ी सी लगातार कैसे करेंगे, सर्दियां हैं, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस थी कि अभी तो आंटी जी, अभी तो शशि जी सर्दियां हैं, अभी तो हमें जरूरत होती है, तो उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया मुझे। तो उस दिन मेरा व्रत ही था और मैंने कुछ तब तक कुछ खाया नहीं था, अन्न मेरा फास्ट था, तो फ्रूट पे ही थी मैं उस दिन। शाम को कॉल आया था शशि जी का, तो मैंने कहा चलो आज तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, फ्रूटी पे रहूंगी, ठीक है। कल मैंने उनको फिर कुछ सोच के बोल दिया हाँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऐसे मौकों की तलाश में होती हूँ, क्योंकि मुझे शायद कहीं ना कहीं मोटिवेशन और साथ की थोड़ा जरूरत मैं फील करती हूँ, तो मैंने हाँ बोल दिया। और जो नेक्स्ट डे का मेरा रहने का मोटिवेशन था वो इसी बात से ज्यादा आया कि मैंने एक बार शशि जी को कह दिया है, अब मैं उसको निभाऊंगी। And you are the first, साक्षी सबसे पहला जो संकल्प या पहला फोन तुम्हें ही किया था, किसी और को नहीं, जो स्टार्ट किया था वो तुम्हारी से। मैं ईश्वर से कह ही रही थी कि मुझे चलाओ, इसमें मैं चल नहीं पा रही हूँ, शायद भगवान तक मेरी बात पहुंच गई और आपको भगवान ने मेरे लिए भेज दिया। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे हमेशा याद रखती है और मुझे आगे बढ़ाने में आपका वाकई बहुत योगदान है। और तो वो दो दिन मेरे लिए बहुत अच्छे रहे और बहुत आराम से सहज रूप से हो गए। और मेरे स्कूल में उस दिन पार्टी थी छोले भटूरे की और मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और मुझे वाकई बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा मैं इन पार्टी के चक्र से उबर गई हूँ। और अब मैंने कहीं ना कहीं संकल्प कर लिया कि मैं स्कूल में कुछ नहीं खाऊंगी, कोई कुछ भी खिलाए मैं बोल दूंगी मैं तो प्याज नहीं खाती, कुछ भी बहाना मारूंगी लेकिन नहीं खाऊंगी। जो भी सबसे बढ़िया फ्रूट डे, सबसे बढ़िया फ्रूट डे, फ्रूट डे बोलो सबसे बढ़िया जो मीनू ने बोला, फ्रूट डे है, बिल्कुल नमक नहीं खाती, ये नहीं वाला नेगेटिव टर्म नहीं, बस ये बोलो भाई आज फ्रूट डे है, बस खत्म, दैट्स ऑल। मैंने उस दिन भी यही किया था, मैंने कहा था आज ना मेरा व्रत है। ऐसे बोल देते तो फिर कोई तंग नहीं करता आपको। तो मेरा बहुत कोई, कभी भी कोई नहीं तंग करता, आप खुद जब तंग होते हो ना तभी लोग तंग करते हैं।
जब आप तंग होना चाहते हो ना तब तंग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी क्रेविंग को ही नहीं रोक पाते हैं, इसलिए हम तंग भी होते हैं। वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी ही क्रेविंग होती है, छूट दे देते हैं छूट। हाँ बिल्कुल, तो वो मुझे समझ आया कि वाकई में ठंड में अन्न खाने की इतनी जरूरत नहीं होती, हमारे सिर्फ वहम है और दिमाग में हमारे थोड़ा सा पहले पैटर्न है। ये मुझे समझ आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी मैंने इन चीजों को अनुभव किया अपने अंदर ना, पूरे इस सर्दी के टाइम में, कि अगर नहीं खाए अन्न तो क्या हुआ। मतलब करके देखा मैंने, हाफ हाफ डे का करके देखा अपने आप, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि फ्रूट खाए हैं तो इसलिए मुझे ठंड लग रही है, ऐसा मुझे फील बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मेरा ये अनुभव सबसे इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए, और मैं चाहूंगी ऐसे होते रहे ताकि मेरे जैसे लोग जो जिनको साथ की जरूरत है वो आगे निकल जाए इससे। ये बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल करने का, मुझे बहुत वंडरफुल लगा, बहुत ही अच्छा। और एक ग्रुप में करने का एक अलग ही अनुभव है। अब अगली बार हम में से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और अपने अपने अनुभव, आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। और आई थिंक आज का जो सेशन है वो रिफ्लेक्टिव सेशन ही है, जिसमें हम एक दूसरे को अपना अनुभव शेयर करके प्रोत्साहन भी दे रहे हैं और एक नई कुछ नई सीख भी है। हर किसी का एक अपना यूनिक अनुभव होगा आई एम श्योर, जो आज बहुत लोगों ने शेयर भी किया, तो वो एक दूसरे से सीखने का एक मौका मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू साक्षी जी, आपने किया और हम सबके साथ अपना अनुभव शेयर किया, और इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर करके एक दूसरे से सीखते रहेंगे फ्यूचर में भी। मेरा शशि जी से एक ये भी डिस्कशन था, हम लोग बहुत दिन से कंटेम्पलेट कर रहे हैं इस चीज को लेके कि कुछ मेरी रीडिंग्स ये कहती हैं कि हम जब फ्रूटेरियन, कुछ लोग हैं इनफैक्ट जो कंप्लीट फ्रूटेरियन हैं, पर मेरा ये मानना है कि मानव जाति जो है, जो इतना शुरू से हजारों सालों से जो हम एवोल्यूशन की तरफ बढ़े हैं, एक बंदर से मानव बने, भले उसके अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं, लेकिन मानव बनने की अपनी एक जर्नी रही है एक बंदर की। तो जब बंदर ने माइग्रेशन शुरू किया तो उसने तरह तरह के अनाज खाने शुरू किए, जो भी मिला रास्ते में उसको खाया। और एक बहुत ही वंडरफुल चीज ये है कि हम उन जातियों में से एक है जो मैक्सिमम चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अनहोनी है कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर इंसेक्ट वर्ल्ड को देखेंगे तो वो एक या दो पौधों के ही बीच में रहते हैं, अगर उनको वो दो पौधे नहीं मिलेंगे तो वो प्रजाति खत्म हो जाती है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आ रही हूँ कि चूंकि मानव जाति इस समय बहुत बहुतायत में है और हमारा प्रभाव पूरे पृथ्वी पे बहुत देखा जा सकता है, क्योंकि आज के तारीख में सिर्फ 40% ही डाइवर्सिटी रह गई है, और इस डाइवर्सिटी के खत्म होने का जो रीजन है वो शहरीकरण है और हमारी डाइट भी है। चूंकि हम आज अपनी लोकल चीजें नहीं खाकर कहीं दूर दूर से जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है, तो हम नारियल का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक यूके तक जहाँ नारियल का कोई वो नहीं है तब भी नारियल मिल जाता है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ और बहुत दूर से एक छोटी सी धरती पे जहाँ नारियल का पेड़ उग रहा था और लोकल लोगों को उससे मिलता था लाभ, आज पूरा पूरा वर्ल्ड एक छोटी सी लैंड से उठाता है लाभ। तो ये जो है ये पृथ्वी पर एक तरह से जाति है। इस चीज को भी हमें अब एक एंगल लाना है कि हमारी सोच इधर होनी चाहिए कि हम लोकल खा सकें तो ज्यादा अच्छा है। तो आपके अराउंड, आपकी विसिनिटी के अराउंड लोकल क्या चीजें मिलती हैं, अगर हम आगे जाकर आगे की जर्नी में इस चीज को स्ट्रेस दें और इस चीज का अनुभव एक दूसरे से उठाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे साथ साथ इंसेक्ट वर्ल्ड भी जुड़ा हुआ है। हमारी वैरायटी इंसेक्ट वर्ल्ड को भी मौका देती है। अगर हम सभी आम खाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि दूर दूर तक सिर्फ आपको सिर्फ आम का ही बगीचा दिखेगा और सारे पौधों को उखाड़ दिया जाता है। तो क्या ये सही है? इसीलिए शशि जी ने फ्रूट डे को लाइफ फ्रूट डे ना बनाकर कुछ दिनों के ही फ्रूट डे बनाए। और मेरा इनसे शशि जी से ये भी पूछना है कि क्या हम इस तरह से सैलेड डे भी कर सकते हैं, जिसमें गाजर और भी तरह की चीजें, जैसे आई थिंक अरविंद जी ने इस चीज को हाईलाइट किया था कि कुछ ऐसे भी महीने हैं जब फ्रूट कम दिखने को मिलते हैं, उस महीने हम क्या कर सकते हैं? तो आपके अनुभव से क्या आपका कहना है? हाँ पल्लवी जी, आपने ये भी कहा कि भाई फ्रूट्स अगर हम लेने लग जाएं तो सब आम के ही बगीचे लगेंगे। एक्चुअली कितना भी प्रोपोगेंडा कर दे लेकिन मनुष्य अपनी इंद्रियों से बाज नहीं आ सकता।
सब तो फूट ले ही नहीं सकते, कितना भी आप लोगों को बताते जाओ करते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गुलाम हो अपने स्वाद के। आपका स्वाद हील नहीं होगा इतना कि आप केवल फ्रूट पर ही अपना जीवन गुजार लो। ये तो कुछ लोगों की बात है जो ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं या उसके ऊपर चलने लग जाते हैं, जो ऑल ऑल टाइम फ्रूट पे रह सकते हैं, जिसको कि फ्रूटेरियन नाम दिया जाता है। तो ऐसा कोई खिताब नहीं जीतना है कि फ्रूटेरियन, बट जितना कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, उतना अगर हम लोकल फ्रूट्स वगैरह पे रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल तो रहेगा ही। और दूसरी बात कि हम सैलेड डे मनाएं, तो वो तो हम उस पे आ ही रहे थे कि अभी फ्रूट डे 2-2 दिन मनाया है। फिर हमको अब तुलना करके देखना है कि जब हम 2 दिन सैलेड डे मनाएंगे तो हमें केवल सैलेड ही खाना है। फिर पता चलेगा कि फ्रूट हमारे लिए डिजाइन है या सैलेड डिजाइन है, मतलब किस कौन सी टंग को ज्यादा क्लीन करता है या क्या लगता है। फिर हम उसके बाद जो तीसरा स्टेप लेंगे 3रे महीने में, वो हम बैलेंस में लेंगे कि आपको फ्रूट भी लेना है, आपको सैलेड भी लेना है, और फिर उसके बाद वाला जो हम लेंगे उसमें आपको बॉइल्ड वेजिटेबल भी ऐड करनी है। लोकली अगर आपको कोई अनाज भी मिलता है, सब्जियां भी मिलती हैं लोकली, तो कुछ आजकल है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ही है। और ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर, जो बिजनेस चल रहा है वो आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मटर मांगते हो तो मटर ही मटर उगाया जाता है, तो आप धरती के दोहन से तो बचा ही नहीं सकते हो, ना तो आप दूध दही के दोहन से बचा सकते हो, जो इतनी सारी चीजें घटित हो रही हैं। पर स्लोली स्लोली अपने आप को एकस्टंट करके अपनी ही शत्रु से अपने आप को बचाना, जो हमारी इंद्रियां हैं जो बाहर की ओर भटकी हुई हैं, तो धीरे धीरे उनको लाइन पर लाना है। जैसे 2-2 दिन का भी फ्रूट दिया गया, फिर उस सैलेड भी दिया जाए, फिर कुछ और भी, फिर चेंजेस देखने हैं, फिर बैलेंस्ड वे में कैसे हम चल सकते हैं। अभी जो एकदम से नेचर क्योर की इम्ब्रेसिंग बताई गई या डाइट बताई गई, वो सुबह नारियल पानी लेना है, फिर सैलेड लेना है, फिर सब्जी लेना है, फिर शाम को ये लेना है, मैं कहने के लिए ना भूख है उस समय, ना प्यास है, ना कुछ है, और रोग भी पूरे नहीं ठीक हो रहे हैं, और खुशी भी पूरी नहीं आ रही है, स्किनी अलग होते चले जा रहे हैं। इन सब को देखकर हमने खाने पीने के ये प्रोग्राम की वजह से इस साल का नया आयाम दिया कि चाहे फ्रूट खाओ, चाहे वेजिटेबल डे मनाएं, चाहे बॉयल्ड वेजिटेबल डे मनाएं, चाहे किसी दिन रोटी डे ही मनाएंगे, रोटी को सैलेड से खा के भी देखेंगे कि 2 दिन हम ये भी खा के देख लें। तो इस तरह से करने के बाद जो निकल कर आएगा बैलेंस्ड डे प्रोग्राम, वो बहुत बढ़िया होगा, बट इट विल टेक टाइम, इतनी जल्दी नहीं आएगा। अब तो अपने विचारों से तो लोग नहीं हट सकते, बड़े थोड़े से लोग होते हैं जो बिल्कुल सही राह को पकड़ लेते हैं, तो ये ज्यादा नहीं ठीक है। फिर भी हमने जो एक बात आज बोली कि हमें बाहर से चीजों को, जो रिसोर्सेज हैं उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, कि रिसोर्स को कम करना है। मैंने हम अपनी भी फीलिंग बताएंगे और लोगों को, आप पल्लवी जी अटेंड कर लें, फिर हमें इतने दिनों में क्या अप्स डाउन आए वो हम भी अपनी शेयर करेंगे, क्या लाभ हमें मिला वो हम भी शेयर करेंगे थोड़ा सा बाद में। पल्लवी जी, कृतमा सिंह जी ने हैंड रेस किया था, वो हम उनको मौका दे सकते हैं। आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं जी, कृतमा मनीष? सिंह जी आपको अनम्यूट किया गया, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। मनीष जी आप सामने आए, आप 2-4 लोगों को आप अटेंड करें जी। कितना सिंह जी, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, आप थोड़ा वॉल्यूम हाई कर सकते हैं। जी बेटर है थोड़ा सा, बोले, आप सुन पा रहे हैं आपको। मैम, हम मोनोपॉज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हेलो, जी, बोले। हाँ, पूछना चाहते हैं, जैसे जो वुमेन मोनोपॉज का जो टाइम रहता है वो उसमें सारी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वुमेन्स को, वो हार्ट फ्लैशेस आते हैं ऊपर और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है, मैम इसमें क्या किस टाइप का रूटीन रखें कि मतलब हम लोग अच्छे से, तो इसके लिए पूछना था। हेलो, हाँ कृतिमा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन सा आ गया है कि मेनोपॉज के टाइम में हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं या क्या समझने की बात है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कृतिमा जी, ये एक नेचर की डिमांड है, नेचर के अकॉर्डिंग ही ये स्टार्ट होता है और समय आने पर इसको नेचर ही अपने आप स्टॉप करती है ना। तो उस समय हमें अपने, जब हमने डाइट रिफॉर्म कर लिया, जैसे फ्रूट ले लिया या जो भी हम ले ही रहे थे, वो जब हम लेते रहते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा माइंड क्लीन होता है, माइंड पर बोझ नहीं होता है,
मतलब ये खुराक तो है ही है, अभी आप लोगों को दो दो दिन हमें और खुराक खिलानी है, वो खा के दिखाएं तो मैं मानूंगी, वो है खुशी की खुराक, उसमें कुछ और नहीं खाना है, खुश रहना है बस। तो माइंड को जो खुराक मिलती है ना, उससे बहुत ये सब चीजें हील होने में या समझने में नेचर को बहुत मदद मिलती है, जो अंदर एक नेचर बैठ कर काम कर रहा है उसको बहुत मदद मिलती है। तो इसमें आप अपना डाइट भी रिफॉर्म करें ऐसे पीरियड में, सभी को एक तो रेस्ट की जरूरत होती है, इसके बारे में नहीं सोचना है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आप रेस्ट करें और जो भी नेचर की रिगार्डिंग सनलाइट वगैरह वो लें, और अपने खाने को थोड़ा सा आयरन वाली डाइट को लें, कुछ पत्तेदार चीजों के जूस को लें, रस को लें, सब्जियों को लें, इस तरह की चीजों को ले लें, और सेकेंडरी फूड को एट दैट मोमेंट रिड्यूस द सेकेंडरी फूड। तब क्या होगा कि जो आपकी चीज बंद होनी है, जो एक बार कुदरत ने ओपन की थी, जैसे आपने उसको पास कहा ना, मेनू पास कहा, तो पास करना है, तो उसमें कुदरत को अंदर से एक हेल्प मिलेगी। लेकिन यदि आप उसको डाइजेशन का काम ही दिए जाएंगे तो वो इस तरह की हीलिंग को, इस तरह की चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो एंड इट विल क्रिएट मोर सफरिंग्स, इसी वजह से ये होती है ना। तो आप उनको एक मौका दें और उस समय थोड़ा सा फ्रूट डाइट ले लें, हेल्दी डाइट, फ्रूट में तो आयरन होता ही होता है, विटामिन, आयरन, मिनरल्स, इसकी जरूरत ऐसे मोमेंट पर पड़ती है। ये सभी के, हर लेडी के जीवन काल में ये चीज आती है। हम लोगों के जीवन काल में जब आई तब स्वामीनाथन जी भी उस समय गाइडेंस दे के ही गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, चलते फिरते काम करते, लेकिन जो उनकी एक गाइडेंस थी वो बहुत काम आई। वो उन्होंने मेरे को इस रिगार्डिंग दी थी कि जब भी कभी वो दिन आते हैं 2-3-4 दिन, उस समय आपको रेस्ट करना, जैसे पुराने जमाने में लोग किनारे कर दिए जाते थे, वो बहुत साइंटिफिक चीज थी, उस समय आपको रेस्ट करना है और आयरन बेस्ड डाइट लेनी है, कम खाना है, सेकेंडरी फूड कम लेना है, मन को शांत रखना है, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है लेकिन शांत रहना है, भारी काम नहीं करना है, ट्रैवलिंग नहीं करनी है कहीं, ये सब चीजें आज के जमाने में ये कई बार नहीं हो पाती हैं क्योंकि सभी वर्किंग है। तो जब उनके समय में कई साल, तो दसियों साल में हमेशा ही ऐसा मेरा पीरियड रहा, तो जब उनकी बताए तथ्यों पर जब हम चले, तो मैंने देखा कि जब वो मोमेंट आया तो चाहे वो रहे या नहीं रहे, बहुत इजिली, जैसे जैसे वो शुरुआत थी, एक बिल्कुल इजिली वो चीज गॉन हुई। तो मेरा एक्सपीरियंस तो फिलहाल ये है। तो ये अगर आपको उसमें तकलीफ आ रही है तो वही है कि डाइट रिफॉर्म, मन को शांत रखें, टेंशन नहीं लें, और बेसिकली रेस्ट करें, ऐसे मोमेंट पे रेस्ट करें, तो कुदरत अपने आप ये सारी चीज सेट कर देगी। दैट्स ऑल। एक चीज और भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप सूर्य स्नान जरूर करिए, इससे बहुत बेनिफिट है। इसको मैंने अभी रिसेंटली ही ऐड किया है। यहाँ पे सूर्य का काफी अभाव है, लेकिन जिस दिन भी होता है मैं लेती हूँ, और उससे मुझे उस फेज में भी आराम है। तो आप भी इसको आजमाइए। जब वो प्रोसेस रहता है उसमें भी ये आराम मिलता है, क्योंकि विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, आयरन के साथ साथ इसमें विटामिन डी की भी जरूरत पड़ती है। खाद्य पदार्थों से भी विटामिन डी लेना है और सूर्य से भी लेना है, टू सम एक्सटेंट, जितना हो सकता है उतना। तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। बीपी हाई तो 2 वजहों से ही होता है कृतिमा जी। एक तो कोई ना कोई मानसिक तनाव घेराव में घेरा डाले ही रहता है। आप वहां से कोई भी जो इस तरीके की बात करता हो, उसको अपने आप को एनीवे मन को शांत रखने की कला को सीखना ही सीखना है। सब मेडिटेशन कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, फिर भी उनका बीपी हाई हो रहा है। बीपी हाई 2 ही वजहों से होता है, या तो खाने का इनडाइजेशन हो गया है या मानसिक इनडाइजेशन हुआ। तो इन दोनों को आपको बैलेंस करना ही होगा, क्योंकि इधर उधर की जो पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, इन सबसे अलग हटके प्रेजेंट का सुबह से शाम तक का प्रोग्राम बहुत अच्छा तैयार करें और उसको आप उसको इनरिच करें, उसको आप इंजॉय करें, तब बीपी कभी भी हाई नहीं होगा। हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना ही नहीं पड़ेगा, जो नॉर्मल है वो चलेगा। थोड़ा बहुत अगर आपका बीपी, आपका बीपी कितना अभी चल रहा है इस दौर में? 165 हाँ, हाई होता है थोड़ा, 145-50 के थोड़ा सा ठीक रहता है, थोड़ा बहुत हाई हो जाता है। तो 150 थोड़ा हाई है। आपको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि एक तो आप सूर्य स्नान 1 घंटा जरूर करिए, क्योंकि उससे आपको दिखेगा आपके बीपी में, लेकिन खाने का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। तो आप कम से कम अंडर 100 फॉर श्योर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये मैजिकल नहीं है कि 1 महीना, शायद आपको 2-3 महीना लग जाए इसको कंट्रोल करने में।
बिसाइड्स जो शशि जी कह रही हैं वो बिल्कुल सही है कि आपको अपने गुस्से और कोई भी ऐसी स्थिति है तो उससे आपको थॉट प्रोसेस के ऊपर, थॉट प्रोसेस का असर हमारे बीपी वगैरह को बहुत, जो कि बड़ा अपने कंट्रोल में भी नहीं होता है। कई बार हमारे थॉट आते ही हैं, कोई हमें हर्ट करता है तो फीलिंग्स तो आती है। आज के जमाने में कोई भी किसी की फीलिंग की कदर नहीं करता है, बताने वाला भी कभी बार इसमें फंस जाता है, पर फिर वही होता है कि चूंकि बताने वाले को ये ज्ञान तो रहता नहीं, नहीं मुझे नहीं, मुझे तो बहुतों को भी। तो इस तरह से आप भी अपने आप को खुद ही मैसेज देना ऑटो सजेशन के द्वारा भी। क्योंकि अगर आपका हार्ट रेस्ट पे नहीं है तो आई एम श्योर कि आपको नींद लेने में भी दिक्कत आती होगी। हाँ अब नहीं, अभी ऐसा ठीक है। मैं अभी क्या ठीक होता है है। कि फ्लक्चुएट होता है, कम भी हो जाता है। हम नमक तो छोड़ रहे हाँ हैं, फिर बीच और भी चीजें सहजन के पत्ते वगैरह ये सब पी रहे हैं हम। क्या ये कहते हैं ना कि बीपी जिसकी हाई होते हैं उसको साग वगैरह हरी सब्जियां कम खानी चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, हरी सब्जियां ज्यादा लेनी चाहिए और नमक आपको छोड़ने की बात नहीं है। ठीक है, आपको बीपी हाई है तो नमक आपने बहुत ही कम कर दिया होगा या छोड़ दिया होगा। जब आप हरी सब्जियां लेंगे तो उससे आपको मिनरल्स और नमक तो मिलेगा ही, इसलिए कहते हैं हरी सब्जियों को लेना है ना। कोई नहीं, नॉर्मल होगा। मैं आपको फिर भी और पर्सनली भी बता दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, या अर्निका जी आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, सबको आवाज जी आ आपको रही है? जी आ रही है। नमस्कार शशि जी, नमस्कार पल्लवी जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। मैं भी बस अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाह रही थी कि मैंने जब भी फ्रूट डाइट लिया है तो मुझे उस दिन बहुत आराम मिलता है। मुझे ना खांसी और थोड़ा ब्रेथलेसनेस रहती है, मुझे इनहेलर यूज करना पड़ता है। लेकिन जब भी मैंने ग्रेन्स कम किया है अपनी, जैसे रोटी राइस तो फ्रूट वगैरह पे बेस्ड रहा है, तो मुझे हेल्प होता है उसमें। तो उस दिन शशि जी का फोन आया था तो मैंने बहुत खुशी से उस दिन फ्रूट डाइट अपना अपनाया। लेकिन बस मुझे, मैंने जैसे आजकल स्पेशली ब्रेथलेसनेस रहती है और खांसी रहती है, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि फ्रूट वगैरह डाइट लेने से मुझे बेटर फील होता है, तो मैं वो तो बताना चाह रही थी। लेकिन फिर भी मैं आपसे भी मतलब और एडवाइस लेना चाह रही हूँ कि और क्या करना चाहिए ताकि ये मेरा थोड़ा कम हो। जब आप फ्रूट डाइट लेंगे तो ये चीज थोड़ी सी बढ़ती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि अच्छा, ओके। बढ़ क्यों रही है यही तो समझने की बात थी फ्रूट डाइट लेने पर, कि जिनको भी कोई चीज रखी हुई है अनवांटेड या तकलीफ दे रही है या सिस्टम मेहनत कर रहा है, अंदर की ताकत मेहनत कर रही है, तो वो उसके लिए आपने डाइट रिड्यूस कर दिया। फ्रूट पे जब आ गए तो उनको वो काम करने के लिए एक मौका मिल गया जिसको हम हीलिंग कहते हैं। तो दैट टाइम यू हैव टू ओनली रेस्ट। जब आपको लग रहा है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज में आ रही है, तो आप एक एकांत में केवल रेस्ट करें। ये तभी संभव होगा ठीक होने में, क्योंकि जब मन अशांत है, मन मन को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ है, जब हम फ्रूट डाइट लेंगे तो हीलिंग स्टार्ट होगी। अगर कुछ भी समस्याएं पहले की दबी हुई हैं, अक्रोनिक हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट होगी। तो दैट टाइम यू हैव टू रेस्ट ओनली, और ज्ञान के सहित रेस्ट करना है कि ये मेरी हीलिंग है। आप कुछ अपना रख लें, कोई गर्म हॉट चीज रख लें या रख लें, सनलाइट में आ जाएं, बट मन को परेशान नहीं करें कि ये मेरे फ्रूट डाइट लेने से। फ्रूट डाइट में होना चाहिए ये चीज, ग्रेन की डाइट में वो सप्रेस हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी उभर सकती है, उभरेगी थोड़ी देर के लिए, बट उसके बाद आपको बहुत रिलीज मिलेगा। तो ऑल टाइम फ्रूट डाइट नहीं है, लेकिन आप वैसे हफ्ते में जैसे 2 दिन बताया जा रहा है वो करें, फ्रूट डाइट और सैलड डाइट, बॉयल्ड डाइट, तो इस तरह से बहुत सी बुराइयों से बचेंगे। नमक, हल्दी, तेल, घी जो हार्ट को परेशान कर रहा है, बड़ी चीजें, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रही है, बहुत सारी चीजों से अनवांटेडली आप बच जाएंगे। फिर फोकस नहीं करना पड़ेगा मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है, बट आपको केवल ये चीज पकड़ना है। जब पकड़ लिया उसके ऊपर आपको फोकस करना है, सराउंडेड रहना है, इम्ब्रेसिंग उसको करना है, बस यही तो नेचर की डिमांड है जो हमसे करती है नेचर। ठीक है, तो अर्णिका जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बस लगे रहे, अभी कुछ चीजें और समझनी है आपको, उसके बाद आपकी सारी क्रोनिक प्रॉब्लम सारी सॉल्व आउट हो जाएंगी, बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, लगे थैंक रहे आप यू। जी। मनीष जी आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप, अब 12 बज रहा है तो हम रैप अप भी तो कर सकते। अभी जैसे कि फ्रूट डाइट का देखा,
हम लोग का एक्सपीरियंस का चल रहा है। तो मैंने भी अभी फुल फ्रूट डाइट तो नहीं कर पाया क्योंकि कुछ फैमिली में रहता है कि नहीं पूरी हो पाती है। और तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं फ्रूट रात में लेता हूँ और सोता हूँ तो सुबह जल्दी नींद खुलती है और नॉर्मली खुलती है, हमें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले तो यही एक रीजन है। और दूसरा, जब भी आप, जैसे हम लोग ने एक बात भी की थी कि अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं फॉलो, तो आधा फॉलो करने से आपको रिलीफ मिलता है, बहुत सारी चीजों में मिलता है। जैसे कि मेंटली आप कहीं पे इंगेज हैं तो आपने डाइट अपनी बैलेंस कर दी, तो उससे आपको हेल्प मिलती है। अगर आप मेंटली ठीक हैं और डाइट को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, तब भी आपको हेल्प मिलती है। या आपको ये नहीं जरूरत है कि आपको डाइट ही फॉलो करनी है और तब आपका कुछ सोल्यूशन मिलेगा। दोनों तरफ है, अगर आप इसी चीज पे बिजी हैं। जैसे कि मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमारे घर में एक कैजुअलिटी हुई थी, तो उसमें बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ रही थी, तो मुझे, मेरे पास खाने का टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ अमरूद लिए। तो उससे दिन भर में, मैंने उस दिन ऐसा नहीं सोचा कि मेरे फ्रूट डाइट है, सिर्फ दिन भर में 2 अमरूद खाए और मेरा दिन में जो दौड़ा भागी थी बहुत और तेजी से हुई। जो भी परेशानी चल रही थी उसमें भी बहुत हेल्प मिली, मैं अच्छे से सोच पा रहा था, अच्छे से बता पा रहा था। तो ये वही तभी हो सकता है कि जब आपको ये सब चीजें पता है कि अब परेशानी है तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप फ्रूट लेना है, और आपको परेशानी नहीं है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, तो आपका चल जाएगा। तो ये आपके अपने एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये दोनों चीजें मैंने फॉलो की हैं। अगर फुल फुल डे भी रहता हूँ, हाफ डे भी रहता हूँ और परेशानी में नहीं खाता हूँ, तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं। और एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की है, वो सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, कि जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, जैसे मैं, शशि जी ने बताया कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो मेरे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द बना रहता था, कभी कभी बन जाता था, ऐसा नहीं हमेशा के लिए। तो सुबह जब मैं प्राणायाम करता हूँ, मतलब सुबह सुबह उठ के प्राणायाम करता हूँ, जब इनहेल करता हूँ, तो इंस्टेंटली मेरी वो जो दर्द है कहीं पे, हाथ पे रहती है, पैर पे रहती है, वो चली जाती है। और मुझे ऐसा फील होता है कि वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से, भी हमारी परेशानी बनी थी, ऑक्सीजन जाने की वजह से, प्राणायाम की वजह से वो चीजें, दर्द भी चली गई। तो ना इसमें हमने डाइट ली, ना हमने कुछ रिफॉर्म किया, सिर्फ ऑक्सीजन ली, उससे भी हो गया। तो ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं अभी कुछ दिनों में, कि अगर ये सब चीजें आपको समझ में आती हैं और आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, तो वो तुरंत ही आपको रिजल्ट भी देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। जी सो वेरी नाइस। पिछले भी प्रोग्राम में, क्लास में ये बात हुई थी कि हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और मालिश कराते हैं, कोई भी चीज कराते हैं, तो ये ब्लड को इम्प्रूव करने में, नहाते धोते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये ब्लड को रनिंग करने में, ब्लड सर्कुलेशन में ये बहुत ही हेल्पफुल चीजें हैं। लेकिन जो ब्लड है, ये बात अभी फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन है वो भी बहुत मैटर करती है। इस पे मैंने बहुत सोचा, रिसर्च किया और इसीलिए मैंने ये सारे स्टेप्स उठाए भी। अगर आपका ब्लड तो आपने जो खाया है उससे बना, जो सोचा है उससे बना हुआ है, अब आप उसमें एक प्राणायाम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ब्लड रनअप तो हो रहा है, लेकिन कौन सा ब्लड रनअप हो रहा है? जो भी आपने क्रिएट किया है वही वाला रनअप हो रहा है। लेकिन जब हम ये हफ्ते में 2 दिन या फ्रूट डाइट कर लें या कोई और ऐसे फॉलो अप करते हैं, तो उससे हमारी ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होती जाती है, और फिर जब हम प्राणायाम करते हैं, काम करते हैं, तब जो वो ब्लड दौड़ता है ना, तो वो ऑक्सीजन इनटेक भी अच्छा करता है, ग्लूकोज का भी, जो ग्लूकोज तो ताकत है, वो भी वो ब्लड में अच्छी तरीके से फॉर्म अप होता है। तो इसी को स्वामीनाथन जी ने टोटल अप्रोच बोला था। नहीं तो एक एक पार्ट भी लेंगे तो उससे भी लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन धीरे धीरे करके हमको अपने पूरे होल पर्सनैलिटी को रिफॉर्म करना है, मेंटली, फिजिकली, इथिकली, एनी टाइप ऑफ वेज। ठीक है, तो ठीक है मनीष, बहुत बढ़िया है। हमने आपको तो फ्रूट डाइट पे नहीं रखा, ना तो पल्लवी जी को बताया, ना तो आपको विक्की जी को बताया, क्योंकि हम भी एक ट्रायल लेके चल रहे थे, सो ये टाइम निकल गया और इसमें आप लोग नहीं जुड़ पाए। तो कोई बात नहीं, अगले वाले में जब होगा तो अब तो हम अपने मैसेज में ही पोस्ट डाल देंगे कि आज आपको फ्रूट डाइट पे रहना है, तो उसमें सारे लोग भी जुड़ कर रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। पहले तो हमने पांच पांच का सिर्फ ग्रुप बनाया था, अभी पांच पांच के ग्रुप की बात नहीं होगी, अभी जो भी जुड़ना चाहता है अपना जुड़ेगा, फिर जब प्रोग्राम उसके रिगार्डिंग 15 दिन में रख देंगे तो उसमें अपने अपने शेयरिंग होगी।
अब मैं एक और खास बात अब बताना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से अभी किसी का हैंड रेस तो नहीं है, ताकि मैं अपनी बात अब अनुभव की बता सकूं, अगर इजाजत हो तो। जी नहीं है। अच्छा, जब हमारे दिमाग में ये आया फ्रूट डाइट तो कैसे आ गया, एक तो किसी बहन ने मुझे थोड़ा सा इसमें इंसिस्ट किया, थोड़ा सा किया, पुशअप किया हल्का सा, उसके बाद उसके पहले मेरे दिमाग में जरूर चल रहा था कि जब हम दोपहर में, वैसे तो बहुत एक टाइम खाना लेते थे और दो टाइम फ्रूट पे ही रहते थे या सैलड पे ही रहते थे या फास्ट में रहते थे, उससे भी बहुत ही हमारे शरीर में तो हल्कापन था ही, आज भी है तो उस समय भी था ही, लेकिन जब मैं दोपहर में सेकेंडरी फूड ले लेती थी अपनी सब्जी सैलड या चटनी एक सो मैनी वेराइटीज के साथ, मतलब कभी दो तीन भी होती थी, कभी एक दो भी होती थी, जो भी हो, देन आई फेल्ट कि कुछ लेथर्जी, कुछ मुझे मुझे अब रेस्ट चाहिए। अगर उस समय हम चाहें कि कुछ स्टडी कर लें या कोई और काम कर लें तो वो माइंड भी नहीं उतना हो पाता था फोर्सफुली, और ऐसे भी नहीं कर पाती थी, तो अक्सर मैं ये सोच में लगी हुई थी कि नहीं मुझे ये वाला समय भी अपना यूटिलाइज करना है, कहीं कुछ काम करने में, कुछ और करने में, दिन का समय बिल्कुल नहीं, दिन गवाया खाए के रात गवाई सोए, चलो रात को तो थोड़ा सोना है लेकिन दिन गवाया खाए के वो नहीं करना था। तो मुझे जैसी ये वाला एक सूचना मिली तो हमने इसके ऊपर अपने, चूंकि अंदर तो था ही, तो तुरंत अडॉप्ट किया। अब अडॉप्ट करने के बाद क्या चीज आई कि जब हमने स्टार्ट किया तो पहले तो मन में आया कि अच्छा सारा दिन कैसे चलेंगे, ये है वो है, कहीं ये हो वो, फिर हमने हटाया, हमने कहा नो अभी जो चल रहा है चलने तो नहीं चल पाएंगे, तो नहीं सही, फिर हम चलने लग गए। चलने में क्या हुआ, स्टार्टिंग में सबको हुआ होगा, वैसे मुझे तो हुआ और अभी भी है कि जब आप दिन भर फ्रूट पे चलेंगे तो आपको यूरिन यूरिन ज्यादा आएगा, यूरिन फ्लो ज्यादा रहेगा, आमतौर से भी रहता है, जाड़े का मौसम में रहना भी चाहिए और रहता है, तो यूरिन फ्लो ज्यादा रहा और एकदम साफ, जैसे आप नल खोलते हैं उस तरीके से यूरिन फ्लो नहीं होता है सेकेंडरी फूड लेने वालों को, या जो लोग ज्यादा जिनको डाइजेशन करना पड़ता है उनके अंदर ये वाला फ्लो नहीं होता है, तो वो रहा थोड़ी थोड़ी देर में जैसे यूरिन का आना, तो उसके बाद बहुत ही ठीक लगता था। बट बात यह है कि जब हम नॉर्मल रहते थे अपने वो वाले डाइट पर कि एक टाइम हमने सेकेंडरी फूड या रोटी वगैरह लिया, तो रात को भी हमें यूरिन जाना पड़ता था, जैसे मान लो 9 बजे सो गए, 10 बजे भी सो गए, तो रात में कभी 12 बजे कभी 1 बजे एक दो बार उठ के जाना पड़ता था यूरिन के लिए। अब जाड़े के दिनों में तो बड़ा ही कष्ट लगता है, बट जब हमने फ्रूट डाइट को कंटिन्यूअस किया और उसमें ये सब चीजों को नहीं इंक्लूड किया, तो मैंने ये फील किया कि मेरे को रात को अगर हम 10 बजे सो गए 9 बजे सो गए तो मॉर्निंग जितने बजे हम उठते हैं उतने ही बजे मुझे अर्ज हुई, तो आई फील वेरी हैप्पी। इससे भी मुझे लगा कि देखो ये एक बात हुई, और दूसरी चीजें जो एक्सपीरियंस की हैं वो ये हुई कि इन दिनों हमारे पास कोई मेड काम करने वाला कोई नहीं, जबकि पीक आवर है ये, मतलब कि ये ठंड का यहाँ का, तो हमारी काम वाली भी नहीं है, कोई नहीं है, तो हमने सोचा कि दूसरे को भी मैं रख सकती थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग में सोचा कि जब मैं फ्रूट डाइट पे हूँ तो मुझे कुछ इसका क्या बेनिफिट है, ये तो देखना चाहिए ऑब्जर्वर के रूप में। हमने अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम होते हैं, अरे इतना लाइटली करने में हुआ कि मुझे महीना भर तो हो गया करते हुए, वो महीने 1.5 महीने के लिए गई है, तो कभी एक दिन भी एक तो थॉट नहीं आया कि मेरे घर में अभी काम वाली नहीं है, दूसरी करने के बाद बिल्कुल हल्कापन, जैसे हम बैठ सकते हैं उठ सकते हैं घूम सकते हैं फ्री हो सकते फ्रीली, तब जब इतने बेनिफिट्स होंगे जिस चीज के, और मेरा घर ऊपर है सेकंड फ्लोर पे है, सीढ़ियां उतरना है चढ़ना है दिन भर में 4-6 बार तो हो ही जाता है चढ़ना उतरना, तो फ्रूट डाइट के पहले मैंने देखा था कि कभी कभी समटाइम्स आई फील कि मेरे कुछ घुटने में हल्का सा चढ़ने में ना हल्का सा एक दर्द सा लगने लगा था, तो जब मैंने ये 1 महीने से अभी जब इस पे हम आ गए तो अभी तो जैसे हम दौड़ के चढ़ सकते हैं, तो जब इतना ज्यादा हम आदमी के अंदर चेंजेस आते हैं मतलब करने में, इसके लिए ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे समय आपको करना है, आप भाई मेरा ये सोच है तो मैं कर रही हूँ, और जिसको नहीं भी तो उसको 2 दिन में भी यही फायदे मिलेंगे, तो वो जब 2 दिन हफ्ते में 2 दिन करेगा या 15 दिन में, तो 2 दिन के फायदे से ही वो आगे किसी ऐसी डिजीज के लिए प्रोन नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन आप अंदर वालों को जैसे ऑफिस में रेस्ट मिलता है तो डाइजेशन को रेस्ट मिलेगा, तो 2 दिन में हीलिंग होगी, जब हीलिंग क्लीन होती रहेगी हीलिंग होती रहेगी तो आपको कोई भी ऐसी डिजीज आएगी नहीं जो क्रोनिक बने, जो दुख दे, जिसको दवाइयों से दबाना पड़े या जिसमें आपको खटिया पकड़नी पड़े, क्योंकि हर घर में इनवैलिड लोग हैं, हर घर में मैंने देखा, जो बड़ी बड़ी आधुनिक कॉलोनियां हैं जो बहुत रिच हैं उनमें तो एक हेल्पर पकड़ के ही चला रहा है, तो उस सिचुएशन से लोगों को निकालना है, यंग अवस्था में तो आप हेल्दी रहते हो लेकिन कैसे आप हेल्दी रहो जब आपकी एजिंग हो जाए,
तो वो एजिंग हम लोग की भी धीरे धीरे हो रही है। तो जैसे मैं तो अभी लगता है कि बहुत ही यंग तरीके से बैठी हूँ, बिल्कुल सीधे बैठी हूँ, इतनी देर से ही पलथी मार के आराम से बैठी हूँ। तो ये सब में थोड़ा पहले प्रॉब्लम आती थी, और मेडिटेशन बहुत ही हल्का, मतलब मेडिटेशन में आपकी विजुलाइजेशन बहुत क्लीन हो जाती है। ये तो मेरा अनुभव है, बाकी आप करेंगे तो आपको अपना अनुभव होगा, इसी अनुभव से मिला के आप अपने अनुभव को बनाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, खुशी की खुराक तभी तो मिलेगी। तो बहुत खाने की अब एक चार्म भी रहता है, क्योंकि भूख लगती है, नींद अच्छी आने लगी, अब रात को उठना नहीं तो नींद आके जरूर प्रॉपर होगी, वो तो हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और फिर भूख है तो चूंकि हमने एक टाइम में एक ही फल को चूज किया, जैसे कीनू खाया है तो कीनू, दूसरी बार अब हम खाएंगे, अभी मेरे पास अमरूद है तो अब हम अमरूद खाएंगे, क्योंकि दोपहर वाला जो लंच है वो हम ऐसे फलों से करते हैं, जैसे पपीता है, अमरूद है, थोड़े ऐसे। और रात वाले में फिर मन नहीं करता, वही रस वस हाथ में लगे तो मैंने केला रखा है अपने, तो मैंने बता दिया, रात को मैं केला दो तीन छील के खा लिया, दैट्स ऑल, बस इतना ही है अभी। सवा बारह हो गया है, ठीक है। तो आज 20 तारीख, मैं मनीष जी का वेट कर रही थी फिलहाल। थैंक यू शशि जी, बहुत ही इनसाइटफुल पॉइंट्स थे जो हम लोग अपनी लाइफ में भी इसको करने की कोशिश करेंगे। और 2 डे फ्रूट डे इज अ वेरी गुड आइडिया, तो हम सब चूज कर ले, काफी कोई भी लोग 2 दिन आपकी आप बात, चूज कर ले। हाँ वो आप ही निर्धारित कर दीजिएगा, इनफैक्ट काफी सही रहेगा। और मेरे को आगे लगता है कि हम और भी टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फूड इज वन एलिमेंट ऑफ नेचुरल लाइफ स्टाइल, हाँ जैसे या हो गया बिल्कुल, फिटनेस, हो गई एक्टिव बॉडी, हो गई सन के फिर से बहुत सारे इस तरीके के सेल्फ रिफ्लेक्टिव सेशंस जैसे आपने आज रखे फ्रूट के ऊपर। वैसे अगर सूर्य स्नान करते हैं 10 दिन, अगर महीने में लगातार लोग सूर्य स्नान कर रहे हैं, तो क्या उनको उसके अनुभव अपैरेंट दिख रहे हैं, अपैरेंट है कि वो शेयर कर सकते हैं? इस तरीके के जो हमने एक्सपेरिमेंट्स निकाले हैं, आई थिंक ये हमारे साथ ग्रुप में जितने लोग हैं सबको ही बहुत लाभ मिलेगा इससे। बिल्कुल। 2 दिन का संडे, सन सन गेजिंग डे, दो दो दिन का मतलब ऐसे 2 या 3 दिन सन गेजिंग डे ही हमने किया, तो उसमें क्या हुआ वो देखेंगे, खाने पीने के साथ साथ कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं हमें अपने घर के, बताया तो कि रिसोर्सेस के बारे में भी आगे बहुत सारी बातें करनी होंगी। रिसोर्सेस को जी जब तक आप लोग घटाएंगे नहीं, तब तक आपको सुख नहीं अनुभव हो सकता है, क्योंकि आज के आधुनिकीकरण में इतना मन खुला हुआ है कि बस ये चीज दिख रही है फटाफट ले लो। एक तो ऑनलाइन ने एकदम बर्बाद कर दिया है, कोई चीज मन के अंदर आई तो ना आगे सोचना है ना पीछे सोचना है, ऑनलाइन बुक करो और आपके घर में हाजिर। तो इतने सारे गैजेट, इतना सारा कपड़ा, इतना सारा सामान, किस लिए? आप क्या दे रहे हो प्लेनेट को? आप रिसोर्सेस का मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि आप डिमांड इतनी कर रहे हो तो वो उनको उतना आपको बना के देना भी पड़ रहा है। तो ये सब चीजों की भी बारे में इसी नेचर के ही रिजोल्यूशन में सब पॉइंट्स आएंगे। आगे अगर ऐसे ऑनलाइन क्लासेस होती रहेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और बहुत सारी चीजें औरों के दिमाग से भी निकल के आएंगी कि हमें किस रिगार्डिंग बात करना चाहिए। तो अब जी बात ही होगी ऐसे ही जैसे आज का रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी लोग आए भी फिलहाल तो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन अपना समय निकाल कर यहाँ जुड़ने का और अपनी अनुभव को शेयर करने का। ये हम सबके लिए ग्रुप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, शेयर करके सीखने का एक दूसरे से। बहुत ही अच्छा लगा सभी के अनुभव सुन के, और आगे हम और भी अपने अनुभव भी इसमें जोड़ते रहेंगे। इसी के साथ हम आज अपना सेशन यहीं समाप्त कर सकते हैं। तो सभी को यहाँ जुड़ने का धन्यवाद, और स्पेशल धन्यवाद शशि जी, आप अपना समय निकाल बिल्कुल के हम सबको प्रोत्साहित करते हैं स्वामी जी के ज्ञान को आगे बढ़ाने का, और अपनी हम नेक्स्ट जनरेशन को देंगे यही नॉलेज, अपने अनुभव किए हुए नॉलेज। तो आशा है हम सब इसी तरह से जुड़ते रहेंगे आगे आने वाले महीनों में भी। सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी जी, मनीष जी, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद सबको। ऑफ अच्छा।